Hey guys, my name is Aditya and welcome back to the channel. काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं एंड आज का जो दिन है बहुत ही ज्यादा स्पेशल है मेरे लिए एंड वो क्यों स्पेशल है मैं आपको चलते चलते बताऊंगा क्योंकि मुझे लेट हो रहा है. Let's go. All right, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये स्पेशल डे क्यों है. तो ये स्पेशल डे इसलिए है क्योंकि एज अ फिल्म मेकर मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास एक ड्रोन हो. तो जो लोग मेरे को बहुत पहले से जानते हैं उनको पता होगा मैं 2016 से वीडियोस डालता था यूट्यूब पे. इसके पहले हमारे एक दूसरा चैनल था लाइकवाइज केसेस जहाँ पे हम लोग कॉमेडी वीडियोस वगैरह डालते थे. तो मेरे को लगता है जैसे जितने भी फिल्म मेकर हैं जो लोग भी वीडियोस बनाते हैं उन सबको एक चाहत होती है कि उनके पास एक ड्रोन हो ताकि वो अपने वीडियोज को और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें. वही सपना मेरा भी था. तो इट्स बिन लाइक 5 years नाउ मैं वो सपना देख रहा था ड्रोन का एंड फाइनली वो पूरा होने वाला है. हाँ, तो मैंने क्या किया कि मेरी एक फ्रेंड आ रही थी दुबई से तो मैंने उसको कहा कि प्लीज हमारे लिए एक ड्रोन लेकर आओ एंड शी वाज वेरी काइंड इनफ वो लेकर भी आ गई. अभी हम लोग बस उससे वो ड्रोन कलेक्ट करने जा रहे हैं. अरे सो ये ड्रोन मैंने क्यों लिया. तो ड्रोन लेने का मेन मकसद ये था कि मैं जो भी एग्जॉटिक प्लेसेस पे जाता रहता हूँ वहां पे जो भी मैं सिनेमेटिक शॉट्स लेता हूँ वो अच्छे होते हैं बट अगर उसमें एक अलग पर्सपेक्टिव ऐड हो जाए एक अलग व्यू हमें मिल जाए थोड़ा पता चल जाए तो मैं उस जगह को ज्यादा अच्छे तरीके से जस्टिस कर पाऊंगा उसकी ब्यूटी को और अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखा पाऊंगा. बेसिकली ड्रोन आ जाने से वो पूरा एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस ही चेंज कर देगा. इनफैक्ट बहुत अच्छा बेहतरीन बना देगा जिससे कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा देखने में मुझे भी मजा आएगा एंड ऑब्वियसली बचपन का सपना तो था ही ड्रोन लेने का तो ठीक है व्हाई नॉट. ऑलराइट, तो ये सारे रीजंस तो उस लिए थे कि मैं ड्रोन खरीद रहा हूँ एंड मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ राइट. बट अगर ऐसा ही था तो मैं अब तक ड्रोन क्यों नहीं खरीदा था. उसका बस एक ही रीजन है कि मैं बिलीव करता हूँ डोंट इन्वेस्ट अंटिल यू कमिट. जनरली लोग क्या सोचते हैं कि अगर उन्हें ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो उनके पास सबसे पहले बहुत अच्छे एडवांस गियर्स होने चाहिए जैसा कि बिल्कुल नहीं है. ट्रस्ट मी, आपके पास जितना जो है उससे स्टार्ट करो उसमें अपना बेस्ट दो क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में उतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे ना एंड उसके बाद अगर आपको मन नहीं हुआ वीडियोस बनाने का एक दो वीडियोस बनाने के बाद तो वो सब पैसा वेस्ट है. देखो दूर से ना हर चीज अच्छा लगता है कि आप गए हो घूमने के लिए कैमरा उठाया ब्लॉग किया एंड उसको डाल दिया बढ़िया व्यूज आ गए लोग बोल रहे बहुत अच्छा है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. उसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है. आपको सबसे पहले डिसाइड करना होता है आप कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो उसके पीछे आपकी स्टोरी क्या है आप स्टोरी कैसे बताओगे अपना लोगों को कैसे इंटरेस्ट आएगा आपकी स्टोरी में एंड जो ये प्रोसेस लगता है शूट किया डाल दिया. लेकिन इसके बीच का एक बहुत ही लंबा मेजर प्रोसेस है एडिटिंग का एंड उसमें बहुत टाइम लगता है ट्रस्ट में. तो अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मोहब्बत नहीं करने लगो ना तब तक बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना. ये एक छोटा सा टिप था. हम लोग ऑलमोस्ट उसके घर के पास पहुँच चुके हैं चल के ड्रोन लेते हैं. ऑल राइट, तो अभी अभी जिनका हाथ आपको दिखाया थोड़ा सा ये वही हाथ है जिससे बहुत ही प्यारे प्यारे केक्स बनते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक्स बनते हैं. तो अगर आप भुवनेश्वर में हो और अगर आप न्यू ईयर के टाइम पे केक वेक ऑर्डर करके कुछ सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ केक यहाँ से ही ऑर्डर करना. द पैन पैराडाइज इंस्टाग्राम पे मैं आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा. एंड एक बेनिफिट है आपका अगर आप अभी न्यू ईयर के टाइम पे क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे केक ऑर्डर करते हो तो आपको फ्री कुकीज मिलने वाले हैं. और एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर आप मेरे व्यूअर हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जिसके लिए आपको एक कूपन कोड बताना होगा इनको. और वो कूपन कोड जो है मैं इस वीडियो के एंड में बताऊंगा ताकि आप मेरी वीडियो भी पूरी देखो. एंड मैं इतना गधा नहीं हूं कि वीडियो के पूरे एंड में जाके बता दूंगा तो मैं थोड़ा आगे या थोड़ा पहले ऐसे करके आपको बता दूंगा. सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो एंड अगर केक का प्लान बना रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ से ही ऑर्डर करना है आपको. प्लीज इन्होंने हमारे ड्रोन के लिए बहुत हेल्प किया हमें तो अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम भी इनकी हेल्प करें. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. ऑलराइट, तो अगर आप लोग एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो शायद आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा. तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है. यहाँ पे DJI की ब्रांडिंग की गई है और एक बहुत ही अच्छा जिप लॉक दिया गया है यहाँ पे जिसके अंदर हमें सारे ड्रोन के कंटेंट्स मिलते हैं. बहुत ही अच्छा बिल्ड क्वालिटी है.
और एक तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो चलो बैग है, ये एक बॉक्स में आया होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ये मैं दुबई से मंगाया था, जैसा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही, अमेजोन दुबई से मंगाया था मैंने इसको। कुछ रूल्स हैं, अगर आप ड्रोन बाहर की कंट्रीज से लेकर आ रहे हो इंडिया में, तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि आप उसको बॉक्स में इंटैक्ट नहीं लेकर आ सकते हो, क्योंकि उससे कस्टम के चार्जेस लग सकते हैं आपको, क्योंकि उसे ट्रीट किया जाता है कि आप ये ड्रोन यहाँ से खरीद के इंडिया या फिर दूसरी कंट्रीज में ले जाके आप ज़्यादा पैसे पे बेचोगे विदाउट कस्टम, तो इसलिए वो बॉक्स में आप लेकर नहीं आ सकते हो। आपको वो बॉक्स हटाना होगा एंड इस ड्रोन को सिर्फ इस बैग में लेकर आना होगा। एंड और एक चीज़, ये DJI Mavic Mini 2 है, इसमें ये बैग जो है जनरली नहीं मिलता है, लेकिन मैंने फ्लाई मोड कॉम्बो लिया है इसलिए मुझे ये बैग भी मिला है। तो अगर आप इंडिया के बाहर से ड्रोन मंगा रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप वो डब्बा जो इसका रहता है बॉक्स, वो लेकर ना ट्रैवल करो, सिर्फ ये बैग लेकर ट्रैवल करो। एंड और एक चीज़, इसमें जो भी बैटरीज हैं उन्हें आपको अपने केबिन बैगेज में रखना होगा, आप लगेज में डालकर मत लाना, बस यही है छोटा सा रूल। एंड इसके अंदर क्या क्या है वो हम लोग एक बीरोल में देख लेते, क्योंकि वो एक एक चीज़ पे जाना वापस उनको बताना वो मुझे उतना मज़ा नहीं आता, एंड वैसे भी अनबॉक्सिंग चैनल है नहीं। एंड बीरोल कमिंग इन 3, 2, 1। सो वॉट डज दिस ड्रोन रिप्रेजेंट्स? सो बेसिकली आज तक जितने भी वीडियोज आप लोग मेरे देखे हो, वो आप लोग सिर्फ उस परस्पेक्टिव से देखो जिस परस्पेक्टिव से मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ। मतलब जैसे कि अभी आप देख रहे हो तो आपको सिर्फ ये फ्रेम दिख रहा है, इसके पीछे क्या चल रहा है वो आपको नहीं दिख रहा है। डैट्स वाई दिस पर्टिकुलर फ्रेम, दिस इज कंस्ट्रेनिंग, दिस इज लिबरेटिंग। तो यही था आज के वीडियो के लिए, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, एंड पहली बार अगर आप ये चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे एक 1000 सब्सक्राइबर्स कर देते अच्छा लगेगा नंबर। एनीवेज, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एडियोस, एंड तब तक के लिए एडियोस नहीं, तब तक मैं अपने इस नए खिलौने से खेलता हूँ। Oh shit. Aircraft crashed.